नमस्कार मैं हूं अमित कर्ण और आज हमारे साथ दो बेहद इमर्जिंग टैलेंटेड एक्टर्स साथ हैं और जिनकी फिल्म आ रही है फोन बूथ धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में बहुत बहुत शुक्रिया बेहद ही इमर्ज कर रहे हैं हम बिल्कुल एक्सप्लोर्ड टैलेंट कूट कूट कर विस्फोटक विस्फोटक थैंक थैंक यू यू सर सर सो अपने अपने कैरेक्टर से टेक अवे क्या रहे इस फिल्म के कैरेक्टर से मैं मेरे कैरेक्टर का टेक अवे ये है इसके कैरेक्टर का टेक अवे मैं हूँ टेक आउट एंड टेक अवे टेक अवे आई थिंक ये कैरेक्टर्स हमारे साथ जरूरत से ज्यादा ही रह गए हैं <laughs> uh, अब हम इनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर <laughs> और रहे, रहे हैं हाँ, हमें कोई छुटकारा हमें मिल नहीं रहा है कोई सीरियसली नहीं ले रहा हमें मेजर और गुल्लू बन के ही रह गए हम बट आई थिंक अलॉट ऑफ लाव्स अलॉट ऑफ लाइटनेस अलॉट ऑफ फन Uh, ये एक uh, बहुत ही एंटरटेनिंग किस्म की मज़ेदार hmm. uh, अनोखी फिल्म है स्पेशली हमने ये पैंडेमिक uh, ये जो पीरियड uh, था उसके जस्ट बाद uh, शुरू की थे शुरू की थी, की थी hmm. और उसी के बाद आई थिंक बीच में एक फेज़ था उसके बाद सेकेंड वेव शुरू हो गया था hmm. तो बहुत ही मज़ा आया ये करने में क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म थी और कॉमेडी साइड पे जाना और मजे करना uh, तो इसीलिए आई थिंक वो टेक अवे रहेगा हमेशा क्योंकि जब एक साल छः आठ नौ महीने से आप घर में बंद है उसके बाद आप सेट पे जाते हैं तो थोड़ा मस्ती माहौल का आ, मजे का एनवायरनमेंट हो तो फिर अच्छा लगता है तो आई थिंक वो टेक अवे अच्छा रहा और आई थिंक अब जब ऑडियंस भी देखेगी हमें जितना मजा आया उन्हें उतना ही मजा आएगा सही और मतलब दोनों के साथ हसीन इतफाक ये है कि आप दोनों ने ही अपने सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस तो किया है आपने तब्बू जी के साथ जी आपने गहराइया में गोते लगाए <laughs> हैं <laughs> <laughs> इसमें राइट <laughs> right. uh, कितना किया इस मिस किया वो अपॉर्चुनिटी क्या मिस इस फिल्म में क्या बात कर रहे हैं सर ये आपने ट्रेलर देखा होगा ध्यान से तो इसने मिस नहीं किया है नहीं अच्छा, नहीं आपने uh, ट्रेलर में देखा नहीं है अरे अरे right. क्या मतलब है आपका कि क्या मिस किया ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं नो आई आई फील वेरी प्रिविलेज्ड बतौर um, एक एक्टर uh, के मुझे मौका मिला तब् जैसी कलाकार के साथ uh, इतनी जल्दी काम करने का चाहे वो किसी भी डायनामिक दाइनामि में या किसी भी तरह के अंदाज में या रोल में हो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव तो उनके साथ मुझे बहुत तालीम मिली और बहुत yeah. uh, uh, बहुत ही uh, मेरे लिए चेरिश्ड एक्सपीरियंस है वो वो मैं uh, हमेशा याद रखूँगा और हमेशा uh, Uh, उसे लेकर आगे बढ़ूंगा कि मैंने उनसे क्या क्या सीखा है एज एन एक्टर अगर सके जैसे उनकी उनकी उनमें uh, उनमें जो ठहराव है एज एन एक्टर जो गहराई है एज एन एक्टर वो uh, बहुत ज्यादा सोचती या कोशिश नहीं करती हैं कि मैं uh, इसमें से कुछ निकाल के लाऊंगी और यू नो शी डेक्चुलाइज इट टू मच बट वो समझती अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से हैं। uh, और उनके साथ ज़्यादा ऑनेस्टली मैं कहूँ तो आ, मैं uh, ये गुरूर से या किसी एरोग से नहीं कह रहा हूँ लेकिन um, उनके साथ काम करना बहुत आसान था एज एन एक्टर बिकॉज वो शी डजन मेक यू फील द वेट और प्रेशर ऑफ हर स्टार्टम और हर एक्सपीरियंस बट एट द सेम टाइम शी इज़ शी इज़ जस्ट शी फ्लोज शीज़ फ्लोज़ और उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसे कर लेते हैं और वोट्स करते हैं ये करते हैं वो करते हैं इट जस्ट हैपेंस सिद्धांत आपके साथ मतलब आपका टेक अवे या एक मतलब सो कॉल्ड टेक्निकल चीज़ें की मतलब लर्निंग क्या रही क्या देखे क्या देखे आ, <coughs> मैं कहूँगा कि देश की नहीं विदेश में भी आई थिंक उनका काफ़ी बड़ा नाम है आ, उनसे ये चीज़ सीखी मैंने कि कैसे मतलब वो आसानी से आ, किसी भी किरदार में ढल जाती हैं उस, उस किरदार की बारीकियों को समझती हैं और कभी भाई जैसा कि ईशान ने कहा कभी महसूस नहीं होने देती कि मतलब वो स्टार हैं या बहुत ही सिंपल हैं कोई भी ऐसे कुछ ताम झाम वाला ऐसा नहीं है कि कुछ है आ, बहुत ही ईजी है तो ये सारी चीज़ें जो द ईज बोलते हैं ना जिसको आ, जिस आसानी से कोई भी किरदार करती हैं और अपने साथ के जो को एक्टर हैं उनको भी उतनी ईज से परफॉर्म करने का मौका देती हैं I think वो चीज मुझे uh, मैंने सीखी है उनसे। और okay. और मतलब इस इस फिल्म 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 में या फिर इस फिल्म के अलावा <coughs> कौन रही पर तो काफी कुछ हुआ जैसे इस फिल्म में पहले तो हमारे निर्देशक जो हैं गुरमीत सिंह जी उनका पैर टूट गया पहले सारी बला अपने लोग कहते हैं कि हॉरर फिल्म में भूतिया एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हमारे आ, हम हमने उन्हें बलि चढ़ा दिया <laughs> तो, बट हमारे साथ एक्चुअली एक बार यूँ हुआ एक दफ़ा हम राजस्थान में एक स्कड्यूल कर रहे थे इस फिल्म का और वहाँ शूटिंग करते करते बहुत ही आ, आ, भूतिया टाइप का माहौल था उस लोकेशन का और हम शूटिंग कर रहे थे और हमें पता चला कि मैप पे उस जगह का नाम ही भूतिया गांव है <laughs> तो हम लोग भूतिया गांव में शूटिंग कर रहे थे पर हमें लग... लगा कि किसी आर्ट डायरेक्टर ने या किसी ने कुछ बनाया होगा तो लिखा होगा लेकिन वहाँ पर वो माइलस्टोन होते हैं ना तो, जी, तो जी। वहाँ पर वो मिसाल लगी भी थी उसके की भूतिया गांव उसके आगे क्या था आ, उसके आगे था चोमू गांव जो हमारे किरदार है इस फिल्म में <laughs> वो उससे इंस्पायर हुए <laughs> तो हाँ आपका कोई

अच्छा एनीवे anyway, मतलब जैसे मतलब ये फिल्म जिस मतलब टॉपिक पे है कि मोक्ष दिलवाया जाता है लोगों को जो काम आप लोगों का शायद है तो मतलब कभी ऐसे रैंडम थॉट कभी आया कि ये मतलब जन्म मरण ये क्या है या मरने के बाद क्या होता होगा या फिर पिछले जन्मों का कर्म है कि हम ये हैं वो हैं या नहीं कभी मतलब ऐसे सवालों के साथ कभी नहीं हुआ जिंदगी में या इस फिल्म के लाइफ भी existential है, existential है। जो सवाल हैं ये सब, हम सबको ही आते हैं okay. आई थिंक कभी ना कभी हर इंसान बैठ के सोचता है कि क्या मायने हैं क्या मतलब है जिंदगी का और हम क्यों जीते हैं ऐसे और आ, क्या अल्टीमेट एक गोल है नहीं है क्या है तो एग्जिस्टेंशियल सवाल मैं अपने आप से जरूर पूछता हूँ और थोड़े ज्यादा ही पूछता हूँ लेकिन आ, इस फिल्म में इस फिल्म में सिर्फ एक ही सवाल उठाया शूट करते करते दोबारा बार बार के क्यों वॉट इज लाइफ और मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैं आज हूँ बिकॉज बड़े रिडिकुलस टाइप के फनी टाइप के कैरेक्टर्स हैं और उसको हमें निभाने में बहुत मजा आया आ, और इस फिल्म में सिर्फ मजे करें हमने हमने ज्यादा इतने एग्जिस्टेंशियल सवाल नहीं पूछे <laughs> और इतना इतने गहराई हो नहीं गए इसमें इतने गहराई <laughs> इसमें सिर्फ मस्ती की हमने और जितनी मस्ती हमने की है उतना आपको देखने में भी मजा आएगा और इसका शूट जैसे अलग तरीके से कुछ हुआ हो मतलब कैमरा सेटअप के लिहाज से या फिर लोकेशन के लिहाज से जी वो कुछ अलग था या मतलब अलग तो था क्योंकि जिस तरह से जो आर्ट डायरेक्शन टीम ने आ, जो पूरी गुफा बनाई थी जो लेयर है आत्मा राम रहते हैं और वो बड़ी मतलब एक एक कमाल के सेट, सेट बनाए थे और उस सेट में भी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से फ्रेमों में देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंसेस पॉप कल्चर के मिलेंगे या कुछ कॉमेडी आपको वहाँ भी दिख जाएगी जैसे वो हेड ऑफ सिक्योरिटी तो बहुत ले है इस फिल्म में बहुत बताना नहीं चाहूंगा लेकिन अगर, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो इसमें है जब जहाँ पे वो डायन होती है हमारे सामने उसकी छोटी घूम हो रही होती है ढाबा देखेंगे तो ढाबा आराम से लिखा हुआ आराम का आ गिरा हुआ है तो ये ऐसे रेफरेंसेस बहुत सारे हैं मतलब वो जो भर भर के हैं, कहते हैं जिसको ईस्टर इस फिल्म में भरे में तो आप दूसरी बार भी अगर देखें तो आपको कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा हमें ट्रांजेक्शन दिखाना था दिन और रात का और कुछ तो कैमरा एक ही रोल में घूमता रहता था और जैसे ही हम फ्रेम के बाहर होते थे हमें कपड़े वपड़े बदल के अगले दिन के कॉस्ट्यूम में होके बाय द टाइम इट कम्स बैक वन टेक में हम लोग

किरदार के हिसाब से बटी हुई है तो जैसे आप कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रेज है कुछ है मेरे इसमें लस्सी है फिल्टर कॉफी है नए नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इसके बाद एक मर्चेंडाइजिंग लाइन भी खोलेंगे हम अगर आप भूत प्रेत से परेशान है तो इसके हाथ में वो एक वो है जो कंपस जिससे भूत प्रेत का जो दिशा है वो पता चलती है इसके हाथ में वो जो पहनता था तू अच्छा अब सभी ना बता दे नहीं कॉस्ट्यूम <laughs> तो देख ही रहे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ओके एक हमारा सेगमेंट रैपिड फायर का है जो वन लाइनर आंसर्स के साथ मतलब दे सके कि ठीक है सर मीनिंग ऑफ लाइफ एक एक करके जा रहे हैं या एक एक करके हाँ हुं? हाँ मतलब उसी के आंसर ठीक है सर मीनिंग ऑफ लाइफ टू बी लिव्ड क्षण भर जीवन है और बस वही है किनका कोट सबसे ज़्यादा रेजोनेट uh, करता है आपको मतलब कोई ऐसी लाइन किसी राइटर की किसी फिलोसोफर की uh, अभी जहन में एक कोट आ रहा है मेरा बट uh, वो एक्टिंग से रिलेटेड है तो शायद मैं मैं ज़्यादा बोल वो ना करना चाहूँ किसी okay. को आई uh, एक कोट है विच आई लाइक वेरी मच दैट एन एक्टर हैज़ टू बर्न इन साइड विथ इन आउटर मेरा है कि आ, मैंने आ, बहुत पहले ही सुना था आ, कुछ इस तरह है कि इफ यू थिंक लाइक अ चाइल्ड योर इमेजिनेशन इज फर्म एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल एक बच्चे की तरह सोच अगर आप रखें तो आपका इमेजिनेशन इतना फर्म होता है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है लाइफ में लेकिन ये पॉसिबल कैसे है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सोच मतलब ज्यादा लॉजिकल होना या फिर कन्विंस होना realistic. चाहते हैं हम जी 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 तो अपने अंदर का बच्चा जिंदा इसी तो रख रहे हैं सर हम फोन बूथ कर रहे हैं ऑब्वियसली बट मतलब रियल लाइफ का कोई ऐसा तरीका आप अख्तियार करते हो कि अपने भीतर का बचपन कायम रखें इफ आई मे टेक दिस फर्स्ट ये ये एक कांसेप्ट जो है बहुत प्यारा छेड़ा है आपने क्योंकि मुझे हमेशा ये मैंने देखा भी है जो बहुत ही महान और दिग्गज कलाकार होते हैं वो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हैं और इट्स दैट सिंपल इज टू नो नेवर अज्यूम दैट यू नो एवरीथिंग हमेशा uh, एक कुछ एक ना कुछ है जो आप सीख सकते हैं जिंदगी से और, um, और उससे ज्यादा मतलब जैसे इन्होंने कहा दो पल की तो होती है जिंदगी तो अपने आप को ज्यादा सीरियसली ना लेना Uh, वो भी एक चीज़ होती है कि अपने इमेज से सेल्फ इमेज से अगर आप बहुत इन्फ्लुएंस uh, हो जाएं, तो um, आप अपने आप को भूल जाते हैं कई बार तो अपने आप से कनेक्टेड रहना और वो चीज़ें आप हमेशा रखिए साथ में जो आपको खुश करती हैं जो आपको विच गिव यू जॉय वो चीज़ें हमेशा ज़िंदा रखें नायक फिल्म में एक दिन का सीएम बनने का मौक़ा मिला था अनिल कपूर साहब जी जी कैरेक्टर <coughs> वाइज एक दिन का अगर कुछ बनने का मौका मिले हाँ। भले तो मतलब सुपर पावर, पावर, हाँ, मतलब पावर कोई हाथ लगे आपके तो मतलब क्या चेंज सुपर पावर अलग चीज है हाँ। सुपर पावर अलग सवाल है आप कह रहे हैं कुछ बनने का कुछ भी बनने का मौका मिले रियल लाइफ में आई वुड लव टू बी एन एस्ट्रोनॉट मुझे स्पेस ट्रैवल करना है एक दिन में तो मुश्किल होगा बट वो एक्सपीरियंस कमाल होता क्यों एक वो तो टाइम रिलेटिव है यस yes, वहां का एक साल तो इधर 6 महीना हो जाता है मतलब <laughs> तो एक एक घंटा फिर आपसे दांत सुपर पावर पीएम या सीएम बना दिए गए अगर नहीं नहीं सर उसके लिए वो जो काबिलियत चाहिए वो अभी तक है नहीं आ, अभी एएम पीएम तो हम एएम पीएम बाद में देखेंगे तजुर्बा और काबिलियत चाहिए वो मेरे लिए मैं क्या मैं मुझे ट्रैफिक से थोड़ा मैं तंग हो गया हूँ बहुत ज्यादा की तो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में थोड़ा कम समय लगे टेलीपोर्टेशन टेलीपोर्टेशन वो हो जाए कुछ भी हो जाए। एक आखिरी सवाल के साथ मतलब yes, yes. आखिरी सवाल के साथ करना <laughs> <हो गये>। <laughs> <laughs> कहां right. uh, मतलब ये सवाल तो जरूर आप लोगों के भी जहन में आता होगा कि आखिरकार ऑडियंस कैसे आए सिनेमा बिकॉज तो दिवाली भी आई और मतलब ये साल ईद से लेकर साल मतलब बहुत कम फिल्में चल पाई हैं हिंदी में खासकर ठीक है आखिरकार एक एक मतलब तरीका आप दोनों की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि जो स्टार्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है जो पैशनेट फिल्म मेकरस हैं उनके साथ या फिर ऑडियंस के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत कम है क्या मतलब क्या किया जाए क्या उपाय किया जाए <laughs> आप इसीलिए तो हम आपके सामने आप अच्छा अच्छा लिखिए कि लोग आएंगे फिल्म देखने परिवार के साथ आए बच्चों के साथ आए अब हम नए कलाकार हैं हैं अभी उभर रहे हैं। हमें बहुत ज़रूरत है कि लोग आए सिनेमा देखें क्योंकि हमें एक्टर्स बनना था क्योंकि बड़े पर्दे पे हमने देख के जो भी फिल्में देखी हैं तो हमारा पैशन तो जिंदा है सर हम अपना काम कर रहे हैं बाकी ऑडियंस को हमें पूरा भरोसा कि मजा आएगा ये फिल्म देख के तो अब फोन पे है जनार्दन मुझे लगता है कि सर जैसे हमने पहले भी इन्होंने कहा था कि वक्त एक चक्र व्यू है और उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो ये एक फेज़ है मुझे लगता है कि इसमें से अगर हम कोई सीख लें और इस बात को हम समझ सकें कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है और हमारी फिल्में और बेहतर हों तो लोग ज़रूर आएंगे मुझे मुझे नहीं लगता कि लोगों ने ये ठान लिए कि हमें एंटरटेनमेंट ही नहीं चाहिए और फिल्में ही नहीं देखनी है आई थिंक वो शायद निराश हैं Uh, पिछले कुछ सालों में थिंग्स हैव आल्सो बीन स्लोअर क्योंकि बीच में पेंडेमिक आया था उसमें प्रोडक्शंस काफ़ी रुके थे स्टॉल हो गए थे hmm. uh, तो uh, तो वक्त लगता है इन चीज़ों में मुझ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो uh, इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है hmm. uh, इंडस्ट्री में आई थिंक सारे लोग uh, देख रहे हैं uh, और सुन रहे हैं और सर्डनली uh, uh, मेरे कान और uh, Uh, आंख और सब, सब खुला है एंड एंड और हम, uh, हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी कोशिश करेंगे मेहनत से कि फिल्में और बेहतर हों हमारी तरफ से एटलीस्ट एंड मैं उम्मीद करता हूं कि थिएट्रिकल फिल्में जो हों उन uh, उनमें कुछ नया ऐसा हो जो uh, आपको खींच कर लाए थिएटर्स में हम कुछ नया ट्राई करें बट एट द सेम टाइम जो हमारे कोर वैल्यूज़ हैं और हमारा कल्चर है उसे ना भूलें क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्में Uh, बहुत बहुत ही रिच होती हैं मेरे uh, नजरिए से कल्चरली हाँ. uh, बहुत ही रिच होती हैं और हमारा सिनेमा और uh, uh, हमारा जो कल्चर है वो आई uh, थिंक और कहीं नहीं है दुनिया में तो uh, मैं ऐसी फिल्में देखना चाहूँगा जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं और दिखाएं और क्राफ्ट uh, को आगे लेकर जाए साउथ या हॉलीवुड से भी ऑफर्स आ रहे हैं और आप लोग कंसीडर करेंगे उसे <coughs> या कर रहे हैं साउथ और हॉलीवुड से दोनों तरफ <laughs> सर नहीं नहीं सर साउथ और हॉलीवुड से कोई ऑफर नहीं आ रहा मुझे तो <laughs> इस, 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 इसको शायद आ, आ रहा हो <laughs> नहीं आ, काम अच्छा करना चाहते हैं सर कहीं भी काम करें सर आ, काम चाहे कहाँ भी हो कैसा भी हो आ, उस दुनिया को अच्छी तरह समझकर उनकी फिल्मों और फिल्मों की लैंग्वेज को समझकर अच्छा काम करना चाहता हूँ तो चाहे वो कहाँ से भी हो आ, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई अपने आप में कि मैं सिर्फ इस टाइप की फिल्म करूंगा या इस लैंग्वेज में फिल्म करूँगा इस फिल्म में थोड़ा सा थोड़ी सी कोशिश की भी है मेरा जो किरदार है वो तमिल ब्राह्मण का है तो उसमें थोड़ी सी तमिल भी है और आ, आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब साउथ के ऑडियंसिस आएँ वो देखें तो वो आ, उन्हें मजा आए उसका वो इन्जॉय uh, करे कि हमने कैरिकेचर uh, करने की कोशिश नहीं की है या मजाक उड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है या ऊपर ऊपर से करने की कोशिश नहीं की है शहरी लड़का है लेकिन है तो वो देसी uh, uh, हाँ तो hmm. uh, uh, तो कोशिश करेंगे सर नई नई लैंग्वेज भी सीखेंगे down to do all kinds of work. Uh, और उसमें ही मजा है और उसमें ही चैलेंज है एंड सर्टेनली थिंक चैलेंज ऐसी बच्चन साहब के जमाने से या धर्म जी के जमाने से कि अगर उसकी रीमेक हो तो उसमें आप और शाहिद साथ काम करना चाहें रीमेक तो सोचा नहीं है लेकर कुछ ऐसा आ, किसी तरह के जॉनर की <clears throat> कितनी प्यारी फिल्में बना करती थी उस, उस वक्त सर, आ, कमर्शियल मसालेदार फिल्में शोले जैसी भी बना करती थी ऋषिकेश मुखर्जी लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब की जैसे आनंद बनी थी उसमें अमित जी का जो किरदार था वो छोटे थे और राजेश खन्ना साहब का जो काका जी का जो किरदार oh. था यू नो समथिंग लाइक दैट वुड बी ब्यूटीफुल टू डू इनफैक्ट आई थिंक अनरिलेटेड अपने बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन मैं देखना चाहूँगा अपने भाई को आनंद जैसे किरदार में क्योंकि उनमें एक uh, uh, सच्चाई है एज अ परफॉर्मर जो जो बहुत खूबसूरत है और वो वॉलबल हैं मतलब वो आपका दिल उधेड़ के निकाल सकते हैं परफॉर्मर तो आनंद जैसा किरदार मैं देखना चाहूंगा उन्हें करते हुए लास्ट क्वेश्चन के टेक्निकल लास्ट की मतलब आप दोनों ने टेक्निकल चीज़ एक दूसरे से क्या सीखी कोई एक एक फिल्म के मतलब शूट से, शूट के दौरान टेक्निकल इसको ईशान को लेंस का बड़ा नॉलेज है वो मुझे शायद मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा तो मैंने ये चीज़ सीखी है ईशान से कि उसको पता है कि कौन सा लेंस कहाँ जूम वाइड ये सारी चीजें मुझे आ, टेक्निकल सेट पे तो कई सारी चीज़ एक्चुअली टेक्निकल से ज़्यादा मुझे उसकी स्पोंटेनिटी में मज़ा आया आ, लेकिन आ, उसे आ, फिल्मों के बारे में और फिल्मों के बिजनेस के बारे में और एक, एक उसका एक पर्सपेक्टिव है जो आ, कभी कभी मैं चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देख पाता लेकिन वो लार्जर पिक्चर देखता है कि यू नो प्रोड्यूसर्स क्या सोच रहे होंगे इस वक्त और इंडस्ट्री में कैसा ये माहौल है और क्लाइमेट है और ये वो एंड uh, वो अपने आप को भी उस नज़रिए से देख सकता है वो समझता है कि वो कहाँ खड़ा है और किस तरह का काम uh, करना चाह रहा है तो उसका वो पर्सपेक्टिव मुझे काफ़ी मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी काफ़ी चीज़ें उसमें काफ़ी उसके आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो मैंने खुद नहीं सोचे होते और प्रोड्यूसर हैं हैं सीए भी है। <laughs> <laughs> वो भी वो है एंगल दैट ही ही अंडरस्टैंड्स अंडरस्टैंड्स लिक्विड लिक्विड ऑफ ऑफ दिस या चार बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का भास्कर के के साथ जुड़ने लिए आपकी फिल्म को आप सबको बेस्ट विशेष उम्मीद है कि आपको मजा आए थिएटर में जाके